हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है। जैसा आज मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि आज मेरा आज तो मैं कोई टॉपिक पर तो बात नहीं करूंगा, बट और मैं आप लोगों को एक ट्रैवल का जो भी गाइडलाइन है तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आज मेरा जो फ़्लाइट है वो कि बम्बई से कतर के लिए डायरेक्टली फ़्लाइट है, तो उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेगी ट्रैवल के लिए, तो उसके लिए मैं बात करूंगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी मैं बताऊं, ताकि आप अगर ट्रैवल करेंगे तो आपको भी इस चीज़ का रिक्वायरमेंट ज़रूरी चाहिए गवर्नमेंट की गाइडलाइन से, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैंने किया था, जो मेडिकल चेकअप, और करीब मेडिकल चेकअप हर किसी को किया जाता है, ये पहले भी था, कोरोना से पहले भी था, और उसके बाद मैंने फिर कोविड टेस्ट करवाया, और कोविड टेस्ट में लगभग 1400 का खर्चा आया मतलब, और बाकी एक अलग अलग ऑफिस की सेटिंग भी होती है, तो उसके हिसाब से मतलब आपका खर्चा रहेगा। तो मेरा तो खर्चा बिल्कुल 1400 रुपये आया, और उसके बाद मैंने उसकी जो गाइडलाइन है, मतलब अभी जब एयरपोर्ट में जो आपको जो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी डॉक्यूमेंट्स की, वो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, जैसा आपका वीज़ा होना ज़रूरी है, और उसके बाद आपका होटल बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद कोविड का PCR जो RT जो भी होता है कोविड का आपको होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद अगर आप शॉर्ट टाइम में जा रहे तो उसका रिटर्न टिकट होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आपका जो एंट्री वीज़ा है, एक वीज़ा होता है कतर का और एक एंट्री वीज़ा होता है, तो उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ 5-6 चीज़ है जो इसका होना बहुत ज़रूरी है, और जैसा आपको पता है कतर एयरलाइन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी फॉलो कर रही है इस COVID-19 में, तो जैसा मैं आपको लास्ट स्क्रीन में भी बता दूँगा कि वो किस तरीके से, जैसा अभी जो बोर्डिंग होता है जो एयरलाइन का जो जैसा सीट होता है, तो सीट में वो किस तरीके से लोगों को बैठाएंगे, तो उसका क्या डिस्टेंस होगा वो मैं आपको मैप के ज़रिए बता दूंगा, और हो सके तो मैं इसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा। तो थैंक यू, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए आज तो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, और मैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कतर में उतरने के बाद, और कतर में बिल्कुल 1 मंथ या 2 मंथ शटडाउन में जा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं बम्बई एयरपोर्ट है, बहुत अच्छा व्यू है, और ये बम्बई एयरपोर्ट में मैं अभी खड़ा हूँ, और मेरा जो फ़्लाइट है वो करीब 4:20 कतर एयरलाइन है, और मैं पहुँच कर फिर मैं आपसे वहाँ पे बात करूँगा और अच्छी अच्छी नॉलेज शेयर करूँगा। और दूसरी बात ये है कि मैंने हमेशा आपको स्क्रीन पर स्लाइड होकर आपको रिंगिंग के बारे में बताया या लिफ्टिंग के बारे में पूरा नॉलेज दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा लाइव लिफ्टिंग के बारे में मैं बताऊँ, जैसा मैंने आपको कैलकुलेशन के बारे में मैंने बता दिया, तो कैलकुलेशन के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं लाइव बताऊँ, और जो भी आपका जो भी कमेंट रहे, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमको वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं इसके लिए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, ताकि आपका हेल्प हो जाए। और ऑलरेडी आप जैसा देखते हैं कि मैं आपके लोगों के लिए हर तरीके का वीडियो बनाता हूं, चाहे रिंगिंग रिलेटेड हो या रिक्वायरमेंट रिलेटेड हो, मैं तो कोई एजेंट नहीं हूं, मैंने एक वीडियो में भी कहा था। तो आप देखो, मेन बात ये है कि आप कभी भी गल्फ जाना चाहते हो तो आप अपने मेहनत से जाओ, क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, जैसा YouTube में आपको हमेशा वीडियो मिलेगी कि एजेंट का सहारा लो, ये लो, उन लोगों को क्या है, खाली एक वीडियो बनाना है और वीडियो से उन लोग कमाई करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। द गल्फ टेक्निकल मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों का हेल्प कर सकूं, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया हुआ है वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। तो थैंक यू, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, और ओके, मेरे इस वीडियो में इसी तरीके से बने रहे, तो ओके थैंक यू, मैं फिर कतर उतर के मैं बात करूँगा पूरे लिफ्टिंग के बारे में। ओके थैंक यू।